आदरणीय अध्यक्ष हिमांशु जी, मिश्रा जी, बाजिंदर जी, हेलो, और जो व्यवस्था में लगे हुए हैं आचार्य जी बाहर आ जाए, और इस हॉल में उपस्थित माँ सरस्वती के बाल पुत्र, आज मैं अपने गुरु का आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि याद रखना, जब कभी सभा में वाइस जो बोल रहे हो वहां तुम्हारे जैसा आगे वाइस को नहीं बोलना चाहिए। फिर भी क्योंकि मेरा परिचय दिया गया है बहुत ढंग से, मैं उतना ढंग वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी कला का पुजारी हूँ और प्रतिमा है विज्ञान की। मैं कला का पुजारी हूँ, प्रतिमा है विज्ञान की। आला लगा कर मर गया हूँ, डॉक्टर छात्र का धोबी का कुत्ता हूँ, घर का लगा हूँ। क्यों मैंने सुना है कि आप लोग बहुत ही कायदे से किसी संस्था का निर्माण करते हैं। मेरे सुनकर ये खुशी होती है कि अब सब मेरे यहाँ हटने के बाद सब स्मार्ट लोग हो गए, क्लास में स्मार्ट क्लास हो गया, स्मार्ट प्रोफेसर हो गए, स्मार्ट टीचर शिक्षक हो गए, यहाँ तक कि नंबर भी इतना स्मार्ट है 99.99। खुशी होती है 0.9 या 0.1 कहाँ छूट गया, समझ में नहीं आता, लेकिन स्मार्टनेस का हद है कि इतना स्मार्ट है ये आप लोग समझ सकते हैं। आप इस लगन से बढ़ रहे हैं आगे, मुझे विश्वास है कि आप सफल हो जाएंगे। कभी कहा गया है कि खाली नहीं जाती कुर्बानी तो एक दिन रंग लाती है, खाली नहीं जाती कुर्बानी तो एक दिन रंग लाती है। मंजिल और लगन अगर सच्ची हो तो मंजिल खुद चल कर आती है। बच्चों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मंजिल किसको मिलती है? मंजिल उसको मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उसको मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए मित्रों मैं इन सब बातों के साथ कहना चाहता हूँ, बस एक ही चीज है, स्कूल अच्छे से विकसित हो और लोगों की सेवा करें। इसके लिए आप सबके सवाल का उद्घाटन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राकेश उपाध्याय जी से मैं आग्रह करूँगा कार्यक्रम के रूपरेखा के संदर्भ में अपना विषय प्रस्तुत करेंगे।